बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी खैर खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। हर दुख तकलीफ परेशानी से हर किसी को महफूज रखे। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो से जाने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जी मेरी कुछ यूँ है कि बच्चे मेमा और कबीर आ चुके हैं और समीर बेटा अभी स्कूल में है, तो अभी इनको लिए दूध गर्म करके मैंने रख लिया जी। बेटा मेरा खेल कहाँ रहा है? बच्चे आ गए स्कूल से, यूनिफॉर्म उनके धोने के लिए रख ली। कल तो वैसे भी संडे है, अपनी तबीयत ठीक नहीं रखती, ठीक नहीं रही जी। बेटा कल छुट्टी, कल संडे है, दूध बच्चों का इधर गर्म किया, अभी इनको ठंडा करके देती हूँ। उतनी देर में समीर बेटा नहीं दरह जाना, तो ट्यूशन वाली टीचर थोड़ी बीमार हुई है तो उन्हें छुट्टी की। हाँ जी, वो कहती सी सोमवार तो कल कल मंडे तो क्लास लाँगी जो संडे तो हूँ पता नहीं की करती। उन्हें पूछ लियो ना, तो हूँ मैं बच्चों को दूध पहले ठंडा करके दिनी। लाइट चले गई सी, लाइट आई है तो काफ़ी सारे कपड़े मेरे पड़े है जड़े धो के रखे, काफ़ी लंडा लगा है। लाइट ऑन कर दें जी, कमरे च आए हैं। हाँ जी जी, हाँ कपड़े देख के सानू डरना शुरू हो जाता बंदा। तो ये सारे कपड़े भी प्रेस करके रखने वाले हैं, तो पहले बच्चों नू हर चीज़ दें, फिर जुतियाँ भी सेव सारियाँ रखने वाली, सारी सैटिंग करने वाली है। इधर भी हर चीज़ अगे पीछे पड़ी है, तो सारे क्योंकि अज मेमा के पापा चले गए, तो इस वास्ते हूँ असं अपने पहले वाली रूटीन चाहते हैं। तो अपने क्योंकि जो तो घर आए हूँ फिर काफ़ी रश रहा इस वास्ते, तो हूँ सारी उपरों तो सारी साफ सफाई मेरे नाल करवा के गए सी। तो आ कपड़े प्रेस करने वाले तो बाद हजे काफ़ी सारे रसाइया का काम भी पिया, वह भी सारा करना है। तो आ मैं बच्चों को पहले खाने पीने कोई चीज़ दे रहा, फिर मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। उस तो पहले जोड़ा मैं काम करना है, बैटरी भी मोबाइल की खत्म हो चुकी है, तो लीए जी कबीर बेटा पीढ़ी टुट जाएगी, इन्हू रख बड़ी मुश्किल ना मैं इत रखी मेरे को, फिर नीचे नहीं बैठा जाता, मोरें की दर शुरू हो जाती, भट्टी से नहीं बैठा जाता, पीढ़ी साइड से रखो इधर। चलो मैम वजू करो बेटा, भाई आने वाला मैं दूध ठंडा करके दिंदी हूँ तुम। हाँ जी, मैं दाल लई है, दाल मूंगी दी तो चलियाँ दी मिक्स करके पकानी है, तो इन साफ कर लेनी है जी। बेटा की पुछ के आना है? टीचर ने पूछ के आना है, पूछ के आ जाओ तू, तुसी ते मैं दोनों जाओ, तो नाले टीचर की तबीयत का भी पूछ के आयो। जाके कहता नहीं, जाके पहले कही है ना टीचर जी अस्सलाम वालेकुम, जिस तरह डेली कहते जाके, फिर उन्होंने पूछे थोड़ी टीचर जी थोड़ी सेहत तबीयत ठीक हुई है ज नहीं, फिर उन्होंने हाँ जी फिर उन्होंने पूछे भी ट्यूशन ते आई है ज ना। हजे काफ़ी दिन दिन सब्जियां खादिया है क्योंकि मेहमान के पापा घर आ जाने, तो वह कहें उत्थे असी जाके होटलों तो ज़्यादा दालें ही खाई दियाँ, तो इस वास्ते दाल ना बना कोई सब्जी बना। तो हूँ ये जी सारी साफ सुथरी करके रख दी करके, तो फिर मैं कि अग जल्दी है दुध उतार लेनी है, तो दाल नरम होने वास्ते रख दी। दाल नरम हो जाएगी तो उन्नी देर मेरे कपड़े प्रेस हो जाएंगे, तो फिर बाद दाल तड़का ला लेंगे इन्हें, क्योंकि इस तरह फिर ज़्यादा प्यारी बनती है। दाल जी साफ सुथरी है, पहले ही मैं साफ सुथरी करके रखी सी, हूँ इन्हें भिओं धो लेंदी इन अच्छी तरह, तो फिर इन उबालने वास्ते रख देंदी है। दाल नरम हो जाएगी तो फिर उन्नी देर सारे काम मेरे सिर पूरे हो जाएंगे। बच्चे स्कूल से आ चुके, अभी जा रहे हैं से, जो खाना पीना था आपको काफी नहीं आया, मैंने किसी को प्रेस करने के लिए होने के रखने रख ली है। अभी बच्चे इधर सब कर रहे हैं, अभी इन्होंने चले जाना, समीर बेटा अभी आया है, इसने अभी खाना खाना है, तो खाना खा लेता है तो उतनी देर तक छोटे बैठ के मेरे पास मेमा और कबीर सब भी हल करेंगे। तो समीर खाना बना पड़ा है, हर चीज मैंने तैयार करके रखी हुई है, फिर बैठ के खाओ टेबल पर। ये क्या बड़ी है?
छोटी कैप है ना, नीचे और कैप नीचे गिरेगी, गना भी होता है। चलो जल्दी करो, जल्दी से सबक याद करके मुझे अभी सुनाओ। बेटा पहले याद कर लो, मैंने नहीं देखा आपको याद करते हुए, पहले याद करो अच्छी तरह। अजान हो रही 5 मिनट चुप, अजान सुनो 5 मिनट चुप करके। मैंने रहीम जी कपड़े प्रेस कर रही थी उधर से, कुछ किए को भी कुछ अभी रहते हैं, तो शाम हो गई मेरा ख्याल में, दाल बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो अभी तो मैंने बनाने लहसुन प्याज बनाती हूँ फटाफट इनको, फिर देती हूँ सालन बना के, दाल बना के, जाने के रोटियाँ छोटियाँ भी बनानी हैं, तो मैंने कहा पहले ये कर लूँ, तो फिर कपड़े प्रेस करती रहूँगी, फिर जितनी देर भी करूँगी सारे ख़त्म करके छोड़ूँगी। तो अभी जी चावल आज नहीं बनाने, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना मेरे से फिर बनाएंगे। चलो कल बना दूंगी, आज देखती हैं ना क्या करना है पहले। तो अभी ये लहसुन प्याज छील के काट लेती हूँ। रमन ने रही लहसुन प्याज मैंने बना लिया, तो अभी पकाना स्टार्ट करती हूँ। मन रही की सारी चीज़ें मैंने अपने पास रख ली हैं, अभी दाल भी चेक करते हैं। बेटा मामा बाहर ही से, माशाल्लाह जी दाल बड़ी प्यारी नरम हो चुकी है, ये देखिए अच्छी तरह, तो अभी इसे दोबारा तड़का लगा रहे हैं। बिस्कुट लेके आए शाम, मगर अब की जाना होगी, मैंने कहा बिस्कुट ही काफ़ी है। अभी ये चाय बन रही है, ये दूध डाल के मैंने चीनी पत्ती डाल दी है, क्योंकि शुगर बाद में डालनी है, क्योंकि कुछ मेहमानों ने पीनी है शुगर के बगैर, किसने पीनी है। अम्मी जी भी है साथ में, तो नंद है मेरी बड़ी, पता करने के लिए आई समीर बेटे का वैसे मिलने के लिए, तो उनके लिए चाय पानी बनाते हैं। रमन रहीम जी चाय बन गई, गप शप निकाली है सारे, अभी देती हूँ तैयार करके मेहमानों को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी मेहमान चले गए हैं, अभी उनको चाय पानी दे के बैठे, काफ़ी देर हो चुका है, अभी बच्चों को रोटी बना के देनी है। ये देखती हूँ जी दाल मेरी तैयार हो चुकी है तकरीबन, दाल माशाल्लाह जी तैयार है। अंदर आके बेटा मैं मेजी चौके ना अंदर रख दे इतने, हूँ मेरा शेर मैं रोटी बनावा, अब मैं मन कर रो ना अंदर बाहर आ, इधर बाहर आओ जल्दी जल्दी। ये दाल मेरी तैयार हो चुकी, रोटियां बनाती हैं फिर बच्चों को देती हूँ, क्योंकि मेहमानों की वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी खाना शाना खा लिया है माशाल्लाह, आज सालन काफ़ी मज़े का बना था, और मगरब के बाद बड़ी नंद मेरी उसके बेटे और बच्चे आए थे समीर बेटे का पता करने और मिलने हमें, तो उनको चाय पानी बना के दिया, साथ ही खाना बनाते बनाते अभी वो चले गए दूसरे भाई के घर, तो अभी तो बच्चों के लिए रोटियां बनाती हूँ और अपने लिए तो फिर
बैठ के सारी फैमिली खाएंगे। तो वीडियो के एंड मैं इधर ही करती हूँ। जय हमारी आज की वीडियो जिन बहन भाइयों को पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो।